हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं धन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ मिश्रा और आज आपको बताने वाला हूँ SICI का थर्ड पार्ट। और आज SICI की पांचवी क्लास है हम लोग की, पांचवी क्लास है। और ये पांचवी क्लास जो है हम लोग का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग एवरेज शुरू करेंगे या जो टॉपिक अगला होगा उसको शुरू करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे। बेटा जिनको ऑनलाइन से जुड़ना है, जो चाहते हैं ऑनलाइन से जुड़े, तो मैं बता दूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है मेरा अध्ययन अकेडमी, यूट्यूब इलाहाबाद सर्च करेंगे, अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से SSC की पूरी दरोगा की पूरी लेखपाल की पूरी SSC GD और TET की क्लासेस आपकी चल रही हैं। इन सब पे बातें हो रही हैं, इन सब की क्लासेस चल रही हैं। अब ये है कि इन सब पे क्लासेस जब चल रही हैं तो इन पे मैं काम कैसे करना है, TET पे काम करना है कैसे करना, SSC GD पे, दरोगा पे, लेखपाल पे कैसे काम करना है आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी शिक्षक से पढ़ते हो तो शिक्षक भी बहुत मंथन करके आता है पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक आ गया पढ़ा दिया, बहुत मंथन करता है चीजों को, बहुत एनालिसिस करता है। तब आपके सामने आके खड़ा होकर बोलता है। आप सोचो अगर आप मेरे जगह पे होते तो बोल नहीं पाते, क्योंकि कंटेंट आपका तैयार नहीं है। जब तक कंटेंट आपका तैयार नहीं होगा तब तक सामने जाकर खड़ा होकर बोलोगे नहीं। आप कंटेंट तैयार होना चाहिए जब तब जाकर खड़ा होकर बोलोगे। तो शिक्षक जब आता है तो कंटेंट तैयार करके लेके आता है। कंटेंट तैयार का मतलब कि वो चीजों पे रिसर्च करता है कि पीटी का एग्जाम हो रहा है, पीटी के एग्जाम से कहां कहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, SSC GD के एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, दरोगा में, SSC में, लेखपाल में कहां कहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तब जाके पढ़ाया जाता आपको, वरना ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। अब बात हो गई कि ये फीस कितनी है, मात्र 499। फीस नहीं मेरे भाई, ये आप एक सहयोग राशि के तौर पर कर सकते हैं कि आप सहयोग कर रहे हैं उन बच्चों का जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो फ्री में ऑनलाइन पढ़ लें। फ्री में क्या पढ़ लें, ऑनलाइन आपके पैसे से पढ़ लें। और 499 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं, इतना बड़ा सेटअप तैयार करने के बाद 499 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। 499 में अगर आपको सारी चीजें कौन पढ़ा देगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाया जा रहा आपको तो ये वाले पैटर्न में। और आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो मैं आपको बता दूं कि जिनको अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है हमारा, एक कोचिंग का नंबर दी गई है 99 35 58 57 71। ये नंबर है 99 35 58 57 71, यानी 9935585777 नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कॉल कर सके करके आप पूरी इंक्वायरी ले सकते हो। और जिनको लगता है कि ये इंक्वायरी बहुत सफिशियंट है, ये नंबर जो है 8299643920, मैं बोल दे रहा हूँ 8299699643920 ये आपका नंबर है। इस नंबर पे आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, भीम पे कर सकते हो, यानी फोन पे कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो इस नंबर पे। जैसे इस नंबर पे आपने पे किया उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे सेंड करके और अपना नाम रजिस्टर करा सकते हो कि मुझे कौन सी बैच में ज्वाइन करनी है, और आपको बताया जाएगा किस बैच में क्या क्या मिल रहा है और कहाँ क्लासेस हमारी चल रही है और किस चैनल पर क्लास चल रही है, किस ऐप पर चल रही है, और कहाँ आपको नोट्स मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी इस सुविधा में। चलिए आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास है CI का थर्ड पार्ट, जो लास्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। और एक एक कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट देखेंगे और मजा आने वाला पढ़ के, बस आप लोग एंजॉय करते रहेगा और एक दूसरे का सहयोग देते रहिए। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुनने का समझने का जो प्रयास करते हैं आप लोग। जो बच्चे देख रहे हैं परमानेंट उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं देख रहे हैं उनकी बात नहीं है, क्योंकि देखो सिलेक्शन 1000 बच्चों में से एक ही तो बच्चों का होता है जो कंटिन्यू मेहनत करता है। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं चाय की दुकान पर, शाम को 4 घंटे चाय की दुकान पर, सुबह 2 घंटे चाय की दुकान पर, 6-7 घंटे ऐसे निकाल देते हैं। दोस्त मित्र मिल गया तो उसके कमरे पे निकाल देते हैं 4 घंटा। तो 24 घंटे दिन में अगर आप 10-12 घंटे ऐसे निकाल देते हो, 8-7-8 घंटा आप फेसबुक व्हाट्सएप निकाल देते हो और सोना शुरू कर देते हो, तो बताओ कि टाइम कहाँ बचेगा पढ़ने के लिए। और इलाहाबाद के बच्चों के लिए, बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा सारा टाइम टेबल सेट कर लेता है कि सुबह में क्या नाश्ता करना है,
दोपहर में भोजन क्या करना है, शाम को नाश्ता क्या करना है, चाय कहाँ पीना है, किसके साथ जाना है, रात में क्या खाना है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। किसके रूम पे कल चलना है, कहाँ जाना है, कल कहाँ घूमने जाना है, कौन सी पिक्चर लगी है देखने जाना है। लेकिन वो कभी डिसाइड नहीं करता है सुबह उठ के अर्थमेटिक का एक चैप्टर मुझे हल करना है, एडवांस के टॉपिक हल करना है, एक क्वेश्चन फंसा उसको पूछना है, ऐसा किसी के पास नहीं होता है। और जो बंदा ऐसा होता है कि सुबह उठ के नाश्ता से पहले वो किताब खोलता है, लंच से पहले वो क्या करता है अपने क्वेश्चनों को हल करता है, सोने से पहले अपने किताब को पढ़ता है, इसका मतलब कि उसको सोना खाना रहना ये बहुत बड़ा मैटर नहीं लगता, उसको मैटर लगता है पढ़ना, उस लड़की का सलूशन हो जाता है। जिनको लगता है कि सबसे बड़े जो है जिम्मेदारी हमारी पढ़ाई है, उनका सलूशन होगा। जिनको लगता है कि पढ़ाई लाइफ एक पार्ट है, चलता रहेगा, वो जिंदगी भर चलता रह जाता है, वो कभी कुछ होता नहीं। तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा आज, क्योंकि आजकल बहुत मेहनत करने वालों का सलूशन तो हो ही नहीं रहा है यार, जो दिन रात लगे हुए हैं सलूशन नहीं हो रहा है, तो आप नहीं पढ़ रहे तो कहाँ से हो जाएगा। उसी में लड़ते रहो भिड़ते रहो, कहीं ना कहीं होगा, तो सलेक्शन होगा ही होगा। आज अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न आपके सामने है, बोला है कि किसी धन का दो वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 90 रुपया हो, उसी धन का उसी दर से कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमने कहा कि रेट हमारा कितना है 10%, तो ज्यादा हल कर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर मूलधन समान हो रेट समान हो, मैंने आपसे बोला था कि जब प्रिंसिपल समान हो रेट समान हो, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमने कहा दो वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना रुपया मेरे भाई, दो वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया है। ते बताओ एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का हो जाएगा 45 रुपया, एक वर्ष का कितना होगा 45 रुपया। दर कितना है भाई 10% है, दर कितना है 10% है, कह रहा उसी दर से कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हमने कहा एक वर्ष का जो साधारण ब्याज दर है, तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का होगा कितना 45 रुपये, कितना होगा 45, दूसरे साल का कितना होगा, दूसरे वर्ष का कितना होगा, सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा अब 45 पे 10% का ब्याज लग जाएगा, तो 45 का 10% हो जाएगा, 10% और बढ़ा देंगे हम लोग तो 45 का 10% हो जाएगा 4.5, दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा कितना 49.5, तो टोटल ब्याज कितना होगा जोड़ दो, ये हो जाएगा 45 प्लस 49.5, यानी हम कह सकते हैं 45 है 9.5 हो जाएगा 14, 4.8 हो जाएगा 1.9, 94 कितना हो जाएगा 5, ये 94.50 ऑप्शन कौन सा बन गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसी पे अपना टैलेंट दिखाना शुरू करते हैं, टैलेंट कैसे दिखाते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, टैलेंट कैसे दिखाएंगे फॉर्मूला वाला, कहेंगे इनको फॉर्मूला का टैलेंट दिखाते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है फॉर्मूला लगाने में, बहुत ही फीलिंग अच्छी वाली आती है फॉर्मूला लगाने में। बहुत ही फीलिंग अच्छी आती है फॉर्मूला लगाने में। कहा कि पहले हम PRT लगाते हैं SI वाला, तो हमने कहा SI की वैल्यू 90 है और पी हमको नहीं पता है, आर हमको पता है, टी पता है 2, डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 100, कट जाएगा, यानी 2P बराबर कितना हो जाएगा, 2P बराबर हो जाएगा 900। हमने कहा पी कितना हो गया 450, यानी मूलधन हो गया 450, ये मूलधन निकल के आ गए। जब मूलधन निकल के आ गए 450 को तय दर को चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कहा कि ए बराबर क्या होता है, पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 450 रुपया, और 1 प्लस आर की वैल्यू 10 से 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, ए पावर सम में कितना है तो ये कट जाएगा, कहेगा 450 गुणे 11 बटे में, 10 गुणे 11 बटे में कितना हो जाएगा
एक कट जाएगा, एक सौ इक्कीस गुणे पैंतालीस, एक सौ इक्कीस गुणे कितना होगा पैंतालीस, हमने कहा गुणा करोगे तो पैंतालीस से कम पैंतालीस चार बचेगा, पैंतालीस गुणा नब्बे, नब्बे चार सौ नब्बे का चार बचेगा, पैंतालीस से कम पैंतालीस, और पैंतालीस और नौ कितना हो जाएगा भाई, चौवन हो जाएगा। ए डिवाइड करोगे दस से तो हो जाएगा पाँच सौ चौवालीस दशमलव, सॉरी यार सही तो है, पाँच सौ चौवालीस दशमलव कितना हो जाएगा पाँच गुना। आप कहोगे कि ब्याज कितना होगा, तो अमाउंट कितना था चार सौ पचास, और कहेंगे पाँच सौ चौवालीस, गड़बड़ हो रहा है क्या, पैंतालीस से कम पैंतालीस नब्बे होगा नौ हो जाएगा, सॉरी यार ये नौ हो जाएगा ना, नब्बे पैंतालीस से कम पैंतालीस, पैंतालीस नब्बे हो जाएगा, नब्बे चार चौरानबे का चार हो जाएगा, पैंतालीस से कम पैंतालीस दस पचपन, पचपन हो जाएगा यानी चौवन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चौवन चार चार दशमलव पाँच, ये हो जाएगा ना। और दस से भाग दे देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी पाँच सौ चौवालीस, गड़बड़ हो रहा है क्या यार, यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में गड़बड़ तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ तो हो ही रहा है, अमाउंट ठीक है सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं कर रहे हैं हम लोग, ब्याज की दर दस है, ओहो ब्याज की दर दस है ठीक है, चार सौ पाँच पचास गुणे ग्यारह बटे में, एक सौ इक्कीस गुणे पैंतालीस बटे में दस, पैंतालीस से कम पैंतालीस हो जाएगा पाँच, पैंतालीस नब्बे, नब्बे चार चौरानबे हो जाएगा चार, पैंतालीस से कम पैंतालीस और नौ हो जाएगा चौवन, चौवन चार पाँच, गड़बड़ हो रहा मेरे भाई यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि पहले ही प्रश्न जो है देखा तो आंसर हमारा कितना है चौरानवे दशमलव पाँच जीरो आया है, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा सा क्या हो रहा है, या तो कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, पैटर्न में है पूरा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, वैसे तो देख लीजिएगा आप लोग आएगा आंसर कितना चौरानवे दशमलव पाँच जीरो ही आएगा, चौरानवे दशमलव पाँच जीरो ही आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन में, चाहे आपके सी आई वाले में है चाहे एस आई वाले में, जो भी हो बुलझन आपका सही नहीं आया है। आइए भाई अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे, हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक दर पांच वर्ष में दोगुना हो जाता है, बताइए अपने अपने का आठ गुना कितने वर्ष में होगा, यहाँ पे कितने होगा मेरे भाई, आठ गुना कितने वर्ष में, यहाँ पे कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, कितने वर्ष में होगा, तो एक इसका फॉर्मूला इसका ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान देना ज्यादा आप फॉर्मूले पे जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, हमने कहा कि ये बताओ दो गुना हो रहा है, दो गुना हो रहा है कितने वर्ष में, पांच वर्ष में, दो गुना हो रहा है कितने वर्ष में, पांच वर्ष में, फिर चार गुना हो जाएगा, दो से गुना करोगे चार गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, पांच गुना दस वर्ष में, ध्यान देना पांच गुना दस वर्ष में, चार गुना आठ गुना हो जाएगा, इसमें इसका गुना करेंगे, इसमें इसका दो से गुना करेंगे, आठ गुना हो जाएगा, आठ गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, पांच तिहाई, यहाँ से हुआ था गुना दो से और ये गुना हुआ किससे, तीन से, पांच तिहाई पंद्रह वर्ष में, ऐसे हम लोग का कैलकुलेशन चलेगा इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न जब आपको मिलेंगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन चलेगा, तो कितना हो जाएगा पंद्रह वर्ष में, कितना हो जाएगा पंद्रह वर्ष, कह रहा है कि दोगुना हो रहा है कितने वर्ष में भाई, पांच वर्ष में, दो दुना चार गुना हो जाए कितना, पांच दुना दस वर्ष में, चार दुना आठ गुना हो जाएगा, पांच तिहाई कितने वर्ष में, पंद्रह वर्ष में, आठ दुना सोलह गुना हो जाएगा कितने, पांचों का बीस वर्ष में, पांचों का बीस वर्ष में, ये होगा ना, हमने कहा सोलह दुना बत्तीस गुना हो जाए कितना, बत्तीस गुना हो जाएगा पांच पचास पच्चीस, पच्चीस वर्ष में, ऐसा आप सिस्टम लगा सकते हो, कई प्रश्न के लिए यही आपका सबसे आसान मेथड जो कर सकते हैं
ए प्रश्न के लिए सबसे आसान मेथड है ये, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे आसान मेथड होता है, आप किताब खोलिएगा, बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन दिया है और लंबा सोल्यूशन से बचना है, और एक सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न को मिलेंगे। हमसे बोला कि दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है कितने साल में, पांच वर्ष में, कितने वर्ष में हो रहा है, पांच वर्ष में दोगुना हो रहा है। इसका मतलब दो दुना कितना हो जाएगा, गुणे दो करोगे तो ये चार गुना हो जाएगा ना, ये चार गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, पांच दुना दो से गुणा करोगे दस वर्ष में हो जाएगा, ये हो जाएगा दस वर्ष में, इतना हो जाएगा। ये साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज है, चार दुना इसमें दो से गुणा करोगे आठ गुना हो जाएगा, और पूछा कितना हमसे, आठ गुना ही पूछा है, ये कितना होगा पांच दिया है, अब इसमें गुणा करोगे, हमेशा इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, पंद्रह वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करोगे, आगे प्रश्न आपको मिलेंगे ऐसे। चलो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बताओ ये यदि एक राशि पर दो वर्षों में 10% प्रतिवर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2100 रुपया है, उसी राशि पर दो वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2100 रुपया है, तो साधारण ब्याज पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा तो मैं बता दूं आपको, सिंपल सी बात, 10% का दर है ना, आज दो वर्ष की बात कर रहा है, 2100 रुपये की बात कर रहा है, दो वर्ष की बात कर रहा है, तो हम सिंपल सी बात है अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो फॉर्मूला भी जान लेना, अगर ऐसे नॉर्मल यूज करता हूँ उसको भी जान लेना, अगर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो टी की वैल्यू दे रखा हुआ है, टी की वैल्यू दे रखा हुआ है और आर की वैल्यू दे रखा हुआ है और ब्याज दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, ब्याज दे रखा हुआ है, तो हम इसको ब्याज दे रखा, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें फॉर्मूला लगाएंगे पी 1+R/100 के पावर टी माइनस पी बराबर 2100 रुपया, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल जाता है तो ब्याज होता है। हमने कहा पी की वैल्यू नहीं पता है, आपको और तरीके बताएंगे, चिंता मत करिएगा, 1+R की वैल्यू कितना है, 10/100 कितना हो जाएगा 100, के पावर 2 है माइनस पी है बराबर कितना रुपया हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना होगा 11 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कितना 121 पी बटे में कितना होगा 100 बटे में कितना होगा 100 बटे में हो जाएगा 100 माइनस पी बराबर हो जाएगा 2100, इतना हो जाएगा ना, पी से गुणा करेंगे 100 पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 पी डिवाइड बाई 100 बराबर कितना होगा 2100, 21 से कट जाएगा 100 बाद में, तो पी की वैल्यू जो आएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 100 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा ना, यानी प्रिंसिपल 10000 हो गया। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो पीआरटी बटे में 100 पी की वैल्यू 10000 है, पी की वैल्यू कितनी है 10000 है, आर की वैल्यू 10 है और टाइम 2 है, डिवाइड बाई कितना है 100 है, 0000 कट गया, हमने कहा कि 1000 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 2000, यानी कितना हो जाएगा 2000, यानी कौन सा ऑप्शन होगा डी वाला, यहाँ से भी 2000 आपके सामने आया ना। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, जब इस तरह के प्रश्न आए, 2-3 साल की बात करें, कैसे प्रश्न आएंगे तो सिंपल सी आप बना सकते हो, सिंपल आप कर सकते हो। अब इतना बड़ा फॉर्मूला करने क्यों जाए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर फंस जाता है कभी कभी हमलों से ही फंस जाता है तो दिक्कत हो जाती है, कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा फंसा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ऐसा तरीका अपनाओ जिससे कैलकुलेशन भी ना फंसे, और थोड़ा सा आपको अपना दिमाग तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि गणित पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, तब तक आप कॉपी करते रहोगे। हमने कहा 2100 रुपया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें जानते हैं जब मूलधन समान होगा दर समान होगा तो पहले साल का साधारण ब्याज पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज 2 से भाग दे दीजिए, कुल कितनी बार में कटेगा, यानी इसको राउंड फिगर मान लीजिए, अगर दिक्कत हो रही है तो इसको राउंड 2100 को राउंड फिगर मान लीजिए, कितना हो जाएगा 2000, आप 2 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, पहले साल का ब्याज कितना होगा 1000, जब भी राउंड फिगर मान लीजिए, 2 साल का ब्याज कितना होगा 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, या तो राउंड फिगर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000।
चलिए, या तो और तरीका जानना चाहते हो तो और तरीका बता दे रहा हूँ, और तरीका जानना चाहते हो तो ये जान लो, कुल ब्याज कितना भाई, कुल ब्याज है 2100 रुपया, कितना है 2100 रुपया, 2100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, दर है कितना, ये 100 बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस अदर कितना है 2 गुणे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ना 2100। अब इस फॉर्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हो, या तो दिक्कत हो रही है इस फॉर्मूले से ज्ञात करने के लिए तो आप इसको यूज कर लो, ए प्लस बी प्लस ए बटे में किसको यूज कर लो, आप करो ए प्लस बी आप प्लस ए बी बटे में किसको यूज कर लो, 100 बराबर 2100 रुपये लिख दो। हमने कहा कि ए की वैल्यू 10 है, 10 बी की वैल्यू भी 10 है क्योंकि ब्याज बराबर है, आप प्लस 10 गुणे कितना होगा 10 डिवाइड बाई कितना होगा 100 बराबर हो जाएगा 2100। हमने कहा कितना हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा हमारा 20, आप 20 प्लस कितना होगा 100 बटे में 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बराबर कितना होगा 2100 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10000। ये आपका मूलधन आ गया सीधे निकल के, आप ब्याज निकाल सकते हो, कोई बहुत तरीके हैं अपनाने के लिए, अपना सकते हो, कोई तरीका आप यूज कर सकते हो। आ जाओ अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि किसी धन पर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपये और 55 रुपये, तो ब्याज की दर आपको शायद मैंने बताया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज आता है, जिस दर से ब्याज आप मूलधन पे लगता है उसी दर से ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे भी लगता है, उसी दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। मैंने कहा कि अगर पहले साल का 50 रुपया है और दूसरे साल का 55 रुपया, तो जाहिर सी बात है ब्याज पे ब्याज बढ़ के हुआ है, कितना रुपया ब्याज बढ़ा है 5 रुपया, ये 5 का परसेंटेज निकाल दो, 5 बटे 50 गुणे कितना हो जाएगा 100। हमने कहा कि कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 गुना कितना हो जाएगा भाई 10%, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला से लगाओगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12000 रुपए की धनराशि, देखो सेम प्रश्न मिल गया ना कि 2 वर्षों 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो सेम प्रश्न मिल गया, यहाँ पे राशि दी गई है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 12000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, और इन तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है, राशि कितनी है 12000 की है, कितनी है भाई 12000 की, हमने कहा 5 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है, 12 का दुगुना कितना हो जाएगा, ये 24000 हो जा रहा है, ये 24000 हो जा रहा है कितने वर्ष में, ये 24000 हो रहा है 5 वर्ष में, इसका यही स्टेप है कि 24 गुना कितना हो जाएगा भाई, ये 24 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 48000, ये जब इसका दुगुना करोगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा भाई, यानी 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष में हो जाएगा हमारा 48000। अब 48 गुना कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे 48 गुना कितना होगा 96000, ये 96000 हो रहा है, और 5 के लिए कितना, अब यहां से नहीं जाओगे 5 से जाओगे, 5 के लिए कितना होगा 15 वर्ष में कितना हो रहा है 48000 96000, अगर पूछता 10 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 48000 हो जाएगा, 15 वर्ष में कितना होगा 96000 होगा, पूछा है 20 वर्ष में तो 96 गुना कितना 1,92,000, 1,92,000 हो जा रहा है, इसमें भी 2 से गुणा करोगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, इसमें 3 से गुणा किए, इसमें किससे गुणा करोगे 4 से, तो 20 वर्ष का ही पूछा हुआ है, 20 वर्ष का पूछा हुआ है ना, 20 वर्ष का पूछा हुआ है, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा 1,92,000, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी वाला। ऐसे प्रश्नों का पैटर्न नहीं होता, अगर आप फार्मूला से चलोगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस बनेगी, बहुत ही लेंथी बनेगी, जो हो सकता है कि बीच में फंस जाओगे, यानी इसको डायरेक्ट गुणा करते जाओ क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहाँ इसको बेस यहाँ मान लो, सीधे वर्ष को बेस मान लो इसको, अब इससे गुणा करना है, इसका बेस जो नई वैल्यू आती है, क्योंकि जानते हैं कि पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का जो पहले वर्ष का जो मिश्रण होता है ना, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है, जो पहले वर्ष का मिश्रण होगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में यही पैटर्न चलता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर कितनी होगी, अंतर कितना रुपया दे रखा भाई 32 रुपया दे रखा,
अंतर दे रखा 32 रुपया, ब्याज की दर कितनी होगी? तो मैंने कहा कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट ही तो पूछा हमसे, तो रेट पूछा हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हैं। हमने कहा कि 5000 वन प्लस आर की वैल्यू आर बटे में कितना 100 के पावर कितना दिए 2 वर्ष ना माइनस की, ये आपका एक हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ये अलग आपका एक फॉर्मूला बन गया। और माइनस आप क्या कहोगे, पी गुणे आर गुणे टी, पी गुणे आर गुणे टी। तो हमने कहा कि बताओ कि P की वैल्यू तो नहीं पता है, R की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, T की वैल्यू पता है, R की वैल्यू, T की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय में कितना 100 है। इस फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो, बराबर कितना रुपया दे रखा हो, बराबर 32 रुपया दे रखा होगा। अब इस फॉर्मूले से यूज करोगे हमने क्या हो जाएगा आपका 5000 ये हो जाएगा कितना 1 प्लस आर बटे में कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना होगा 2 माइनस हो जाएगा पी, माइनस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा भाई ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर बटे में कितना हो जाएगा 50, बराबर कितना रुपया होगा। अब ये पूरा टोटल हल करने पे आपको वैल्यू आएगी किसकी, आर की। यहाँ पे भी आर है आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। आप टोटल जैसे हल करते हो यहाँ आपको R की वैल्यू आपको मिलेगी और R की वैल्यू आएगी कितनी हमारी 8%, कितनी आएगी मेरे भाई 8%। एक बार हल कर लेना आप लोग, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। या तो एक तरीका और यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम लोग, या तो एक तरीका यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम लोग, कह रहे हैं कि 5000 रुपये पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 32 रुपये का अंतर है। एक तरीका और यूज कर सकते हैं हम लोग, एक तरीका और यूज कर सकते हैं, वो तरीका क्या होगा हमारा, आज ही हम लोग थोड़ा सा अगर इससे यूज करोगे तो हमको कम से कम बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। आज हम लोग अपना तरीका बताने जा रहे हैं, उस तरीका को ध्यान देना। हमने कहा अगर देखा जाए कि 5000 रुपये की धनराशि है, आज हमारा जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, 32 रुपया जो होगा 5000 का कितना परसेंट होगा, इसको ध्यान देना। 32000 रुपया जो है, सॉरी 32 रुपया जो 5000 का कितना परसेंट, हमने कहा जो 32 रुपया है ये 32 रुपया है ये 5000 का कितना परसेंट है, 5000 का कितना गुणे 100, तो डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 32/50 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगी, तो 16/25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अगर एक जीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या ले आएंगे पॉइंट, यानी 25/60 कितना होगा 25/60 10 बचेगा 4 बन गया 64 आ रहा है, क्या है 64 आ रहा है ना। हम देखेंगे इसमें किसका वर्ग 64 आ रहा है, किसका स्क्वायर जो है 64 आ रहा है, तो जो 5 का स्क्वायर है कितना आ रहा है 25, जो मैच नहीं कर रहा है खत्म हो गया। 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है 64, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, यानी लेंथी तरीका से बेहतर हम लोग इस तरीके का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे हल कर सकते हैं, आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कहा कि जो प्रश्न आपका है 7 नंबर कह रहा है कि बताओ कि 12000 रुपये की धनराशि, कितनी धनराशि है 12000 रुपये की धनराशि है, 12% की दर से 3 वर्ष के अंत में उचित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, तो 3 वर्ष के उपरांत चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है कि कितना होगा। तो या तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं या तो सिंपल सी बात करते हैं। हमने कहा कि 12000 रुपये की धनराशि है तो चक्रवृद्धि ब्याज तुमको निकालना ही निकालना पड़ेगा, कोई इसमें, तो हमने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज देखते हैं हम लोग, तो हमने कहा साधारण ब्याज 12000 का जो 12% निकालते हैं तो 12000 का 12% जो होगा हमारा 12 बार 144 यानी 1440 रुपया हो जाएगा, एक साल का साधारण ब्याज 1440 रुपया हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कहा एक साल का साधारण ब्याज 1440 रुपया होगा तो 3 साल का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 गुणा कर दो 3 × 0 = 0 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 = 13 × 3 = 4 4420 रुपया हो जाएगा, ये 3 साल का हमारा साधारण ब्याज हो गया। 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो करते हैं तो होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉइंट में आएगा ये। हम कह सकते हैं कि मान लो कि 12000 रुपये की धनराशि है, 12% है, हम सबका 12% निकालना शुरू करें। हमने कहा पहले साल, अगर पहले साल फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो
तो 12 को हम लोग परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर दे क्या, इसको 12 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करते हैं तो 4 × 12 होता है, हम कह सकते हैं 3/25 आ जाएगा। इसका 3/25 परसेंटेज वैल्यू होता है, 3/25 इसका परसेंटेज वैल्यू होता है। हमने कहा कि अगर चक्रवृद्धि ये साधारण ब्याज की बात कर रहे थे, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। हमने कहा 12,000 रुपया है, 12,000 का पहले साल 3/25 लगेगा, 3/25 हमने कहा 25 × 4 = 100 बचेगा 20, 25 × 2 = 100 यानी हमने कहा कि हो जाएगा ये होगा 1440 रुपये, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अगर राशि आपका समान हो और आपका क्या समान हो, रेट समान हो। ये सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा, ये कितना होगा हमारा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1440 रुपये का ब्याज तो लगेगा लगेगा, प्लस आप जानते हैं कि ब्याज पे ब्याज लगता है 3/2 कितना होगा 25। हमने कहा 25 × 6 कितना होगा, 25 × 6 आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा आपका बचेगा कितना भाई, 5 × 30 हो जाएगा और 14 × 5 कितना होगा 19 × 190, ये 7 बार में कटेगा, 75 × 15 = 6 हो जाएगा। हमने कहा 6 × 3 = 18 होगा, 7 × 3 = 22 हो जाएगा, 18 × 18 = 2 कितना हो जाएगा 20, कितना होगा मेरे भाई ये हो जाएगा 20। यहाँ पे जो आपका है और ये सही है, ये कितना हो रहा है 6 × 18 हो रहा है और 7 × 21 = 22 हो रहा है, 18 × 20 यानी 202 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सही था। 1642 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, दूसरे साल का हो जाएगा। जब तीसरे साल की बात कर रहे हैं, थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं तो 1642.8 लगेगा प्लस 1642.8 का कितना लगेगा 3/25 लगेगा, हमने 25 से काटा 25 × 6 कितना होगा 150, 14 बचेगा 142, हमने कहा 25 × 6 = 125 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 12 × 5 = 17 हो जाएगा, 178 हो जाएगा, 25 × 7 = 175 हो जाएगा, मेरे अकाउंट इतना ही होगा ना, 25 × 7 = 175 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास कितना, फिर जो बचेगा हमारे पास 75 × 3 बचेगा, 25 × 25 और 25 × 50 इतनी वैल्यू हमारे पास आएगी। एक ध्यान देना, अगर इसको जोड़ते हो आप लोग तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, बहुत लंबी हो जा रही है मेरे भाई, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 6 = 3 = 3 हो जाएगा, 7 × 1 = 1 हो जाएगा, 5 × 15 = 16 = 17 हो जाएगा, 18 × 19 हो जाएगा 1997.3। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, इसमें जो आपका बढ़ा है कितना रुपया 202.8, इसमें बढ़ा है कितना आपका, इसमें बढ़ा है 197.136, यही आपका ब्याज एक्स्ट्रा होगा। तो हम कह सकते हैं 202.8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 197. कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, 8 × 3 = 11, 2 हो जाएगा, 7 × 2 = 9 हो जाएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 399.26। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन लेते, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कैलकुलेट करने में, यहाँ पे कहीं ना कहीं गुणा गणित करने में मिस्टेक हुआ है, नहीं तो पैटर्न हम लोग का सब सही है। पहले साल का 1440 सही है,
मिल जाएगा। दूसरे साल में इतना ही ब्याज एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, तीसरे साल में इतना ही ब्याज बढ़ रहा है ना, दोनों का यही ब्याज एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इसी का मान तो पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ऑप्शन मिस्टेक है, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा पैटर्न हम लोग का सही है। या तो फॉर्मूले पर अगर इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला भी तो वही होगा, कैलकुलेटिव होगा। हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया और हमको क्या निकालना है, सॉरी साधारण ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज में ही दिक्कत हो रही है। तो हम लोग फॉर्मूला भी यूज करके निकालेंगे थोड़ा। अगर आज हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला से कैसे बनता है कि नहीं बनता है, कैलकुलेटिव होगा क्योंकि डेटा जो ऐसा है इसका। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक की वैल्यू अगर निकाला जाए, एक की वैल्यू, तो हमने कहा कि एक की वैल्यू निकाले तो 12000 प्रिंसिपल है आपका, 12000 आपका प्रिंसिपल है। 1 प्लस 12 बटे में कितना हो जाएगा, 12 बटे में 100 हो जाएगा। पावर कितना लगा है, 3 साल लगा हुआ है, तो अगर 4 से काटेंगे 3 हो जाएगा, कितना होगा, 25 हो जाएगा। हमने क्या हो जाएगा, 12000 यानी एक 25 तीन कितना होगा, 28 बटे में, सॉरी ये 28 बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 28 बटे में 25 हो जाएगा, ये पावर कितना होगा 3। अब सोचो 28 का क्यों निकालना पड़ेगा हम लोग को, 28 का क्यों निकालना पड़ेगा, लेंथी होगा थोड़ा सा। आप लोग जो पहले मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से निकाल के देखना इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या तो ऑप्शन गलत है, क्या गलत है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, अगला प्रश्न जो 8 नंबर का प्रश्न है, ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक टाइपराइटर जो है, एक टाइपराइटर जो है, शायद किस वाला एक प्रश्न मैंने बताया था आप लोग, एक टाइपराइटर जो है 3500 रुपये में अथवा 1000 रुपये पहले आंशिक नकद और शेष 3 बराबर सरल किस्तों में बेचा गया। कह रहा है कि बताओ कि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक ब्याज लगाया जाता है, तो किस्त की देय राशि कितनी होगी। तो मैंने कहा मान लो कि अगर उसने 3500 रुपया में बेचा और 1000 रुपये पहले ले लिया, तो बचा कितना रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये किस्त लगाए, तो पहला किस्त x होगा, तो 1 प्लस कितना होगा, 12.5 बटे में 100 के पावर 1 होगा, आप प्लस x बटे में कितना होगा, 1 प्लस 12.5 बटे में 100 के पावर, दूसरे साल की बात कर रहे हैं, 2 होगा, प्लस x बटे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 12.5 आप बटे में कितना होगा, 100 के पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना दे रखा हुआ है, 2500 रुपये, कितना दे रखा है, 2500, क्योंकि दोनों घटाओगे। हमने कहा ये 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। हमने कहा x बटे में कितना होगा, 9 बटे में 8 हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा भाई, x बटे में ये 9 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, 81 बटे में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस x बटे में कितना हो जाएगा हमारा, x बटे में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9 का क्यूब, 729 बटे में कितना होगा, 512 कितना होगा, 12, ये सब ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2500 रुपये। आप इसको हल कर दोगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, हल करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आ जाओ अगला प्रश्न जो आपका है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि बताओ कि एक यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि, दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, तो तीसरे वर्ष की उसी राशि पर 12% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर दूसरे वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का 250 है, दूसरे वर्ष का कितना है, सॉरी दूसरे वर्ष का 250 है, 250 है, और कैसे सेकेंड ईयर का और तीसरे ईयर का पूछा है, थर्ड ईयर का पूछा हुआ है, और ब्याज की रकम 12% लिया है, तो अगर 12% इसमें निकालते हैं 25 का 12%, तो 30 आता है, 30 जोड़ देंगे तो 280 आ जाएगा, यानी तीसरे वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 280 रुपये। ये आपका प्रश्न था आज का, और लास्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव प्रश्न थे उसको बनाना और बताना क्वेश्चन आंसर सही है या गलत है, ये प्रश्न आपके लिए है। और बहुत ही साधारण प्रश्न जो मैं आपको दिया हूँ, बहुत बच्चे आंसर करते हैं लेकिन बहुत बच्चे आंसर नहीं करते हैं, इस प्रश्न को आप हल करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आज के इतना ही, छोड़ते हैं आप लोगों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, कल की क्लास लेंगे हम लोग, और टॉपिक हम लोग की अलग होगी, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लास्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक होगी, मजा आने वाला है, धन्यवाद।